आपके लिए देर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड आई पिक्ड अप वन आउट ऑफ देम. ओके दिस इज एम इकबाल और वो ओके पूछ रहे हैं हाउ डू यू हैंडल ट्रोल्स. वेल आई डोंट सी देम. आई डोंट गो थ्रू ऑन लाइक द माय कमेंट्स. कमेंट्स माय माय एनीथिंग लाइक यू नो आई डोंट सी एनीथिंग लाइक यू नो उनको लगता होगा लाइक यू नो दैट आई एम गोइंग थ्रू बट आई डोंट सी एनी कमेंट्स. मुझे रात को नींद नहीं आती. आई वोंट बी एबल टू स्लीप लाइक यू नो. तो लाइक यू नो दिस इज व्हाट आई लाइक नो हाउ कैन आई हेल्प माई सेल्फ. मैं इसी तरह अपनी मदद करती हूँ खुद. दैट्स तो गुड या बट आई मीन इट्स टेरेबल कि आई मीन लाइक कि इतना ज्यादा ट्रोलिंग हो चुकी हुई है स्पेशली एक्टर्स एक्ट्रेसेस के ऊपर कि इमेजिन कि आप अपने जो फ्रेंड्स भी आपको कमेंट लिख रहे हैं वो भी ना देख सको. समटाइम्स आई लाफ क्योंकि मुझे ये होता है कि कितना कितना टाइम है इन लोगों के पास. और मुझसे पहले एक इंटरव्यू में एक सवाल था कि आप क्या कहती हैं कि आजकल की शादियां और आजकल की चीज़ें इतने टूट रही हैं या बन रही हैं या जुड़ रही हैं. क्यों मैं क्योंकि मैंने उनको ये जवाब दिया कि क्योंकि हमारी जिंदगियां अब हमारे फैसलों से ज़्यादा ये सोशल मीडिया के फैसले ज़्यादा हमारे लिए अब मैटर करने लगे हैं कि वो हमें क्या जजमेंट्स अपनी दे रहे हैं वो अपना पर्सपेक्टिव क्या दे रहे हैं हमें तो हम ज़िंदगी वैसी गुजार सकेंगे. हम उनको खुश हम ऑल द टाइम उनको प्लीज़ करने में लगे हुए हैं. तो हम एक दूसरे पे या एक दूसरे के रिलेशन पे लोगों एक दूसरे पर एक फोकस करना ही उन्होंने छोड़ दिया. तो इसलिए इतनी ज़्यादा लाइक यू नो हार्ड टाइम्स हम लाइक यू नो फेस करते हैं. तो मैं ट्रोल्स तो लाइक यू नो आई मोस्टली इग्नोर लाइक अच्छा सेगमेंट में या गेस द सॉन्ग है. ठीक है ओके मैंने पुराने बॉलीवुड गानों की शिट ट्रांसलेशन की है. अब वो मैंने ओके कैसे ट्रांसलेशन की ये मुझे ना पूछना. ठीक है पहला सॉन्ग ओके आप गाना गेस करेंगी और आप फिर गाएंगी. ठीक है ठीक है अगर गेस ना किया तो फिर मैं आपको गाना बिग्रजिंगली बताऊंगी बट गाना तब भी मैं उसी पड़ेगा. का वेट कर नहीं नहीं गेम तो खेलो हाँ ना. मजाक कर रही हूँ. अच्छा नाउ दैट यू हैव स्टोलन माई हार्ट डोंट अवॉइड मी माई डार्लिंग आफ्टर हैविंग टर्न्ड ओवर माई लाइफ सो डोंट यू एवर अंडर गो अ चेंज योर सेल्फ माई डार्लिंग. दिल मेरा नहीं सॉरी नाउ दैट यू हैव स्टोलन स्टोल माई माय हार्ट हार्ट ओके डोंट डोंट अवॉइड मी अवॉइड मी ओके डोंट अवॉइड मी माई डार्लिंग आफ्टर हैविंग टर्न्ड ओवर माई लाइफ सो डोंट यू एवर अंडर गो अ चेंज योर सेल्फ माई डार्लिंग. इंग्लिश में तो अच्छा लगेगा. कोई हेल्प करेगा मुझे. उधर किसी ने गैस काट ली है बिहाइंड प्रोडक्शन के अंदर. नहीं आ रहा मुझे. चुरा लिया है तुमने जो दिल को नजर नहीं चुराना सनम बदल के मेरी तुम जिंदगानी कहीं बदल ना जाना सनम. ओके आई लाइक दैट. ये मैंने एक लाइन है इसी पकड़ा जाएगा गाना. ठीक है ठीक है. नो नो नॉट येट वेट नाउ. नो नो नॉट येट वेट नाउ. नहीं नहीं अभी अभी नहीं अभी करो इंतजार. आगे भी गा दो. नहीं नहीं अभी नहीं मैं हूं बेकरार. ब्रिलियंट. अच्छा अगला वाला भी बहुत इजी ट्रांसलेशन है. ओके इसका है आई एम नॉट अ पोएट बट ओ ब्यूटिफुल गर्ल सिंस आई हैव सीन यू आई हैव लर्न्ड हाउ. शायर तो नहीं मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई. अमेजिंग. अच्छा शुड आई टेल यू और शुड आई स्टे क्वाइट वॉट इज इन माई हार्ट टूडे इफ आई से इट देन यूल नो इट. शुड आई टेल यू और शुड आई स्टे क्वाइट वॉट्स इन माई हार्ट टूडे
If I say it, then you'll know it. ना बताओ कि मेरे दिल में क्या है. What did you say next? Should I tell you, or should I stay quiet? मैं बताऊँ कि मैं चुप रहूँ. What's in my heart today? अच्छा मैं बताती हूँ. Should I tell you, or should I stay quiet? What's in my heart today? If I say it, then you'll know it. ट्रांसलेट करके तो बहुत इजी लग रहा है बट गाना नहीं समझ आ रहा मुझे. Should I tell you or should I stay quiet? Okay. कह दूँ तुम्हें या चुप रहूँ, दिल में मेरे आज क्या है तो बोलो तो जानू, गुरु तुमको मानू, चलो ये भी वादा है. अच्छा आखिरी गाना. ओके ये बहुत आसान है, बहुत मजे का गाना है. ओके ओके. इफ यू एंड आई वर लॉक्ड इन अ रूम एंड द कीज वर लॉस्ट. हम तुम एक कमरे में बंद हो. थोड़ी तो मस्ती मैंने भी करनी है ना. अच्छा वेल डन भाई, वेल डन. अच्छा दिस वेल 2021 मार्क्ड 10 इयर्स आपकी इंडस्ट्री के अंदर. तीन हाइलाइट्स अपने करियर की शेयर कर लें. ओके, इन अ गुड वे और इन अ बैड वे. एनीवे थ्री हाइलाइट्स. ओके, मेरा लाइफ का पहला ड्रामा था और आई यूज टू बी टॉम बॉय, लाइक बिल्कुल बॉय कट बाल थे मेरे आपकी तरह. तो ड्रामा था, उसमें आबिद अली साहब बैठे हुए थे, जावेद शेख साहब बैठे हुए थे, फराशा, सारे सीनियर आर्टिस्ट बैठे. तो मेरी ज़िंदगी का पहला ड्रामा था और मुझे नहीं पता था कि नज़ाकतें क्या होती हैं, हीरोइन मटीरियल क्या होता है. तो आई वॉज सिटिंग लाइक दिस, लाइक रिश्ता आया मेरा और मैं ऐसे बैठी हुई हूँ. और डायरेक्टर ने अम्मी को बुला के कहा कि सारा आप देखें, आपको कुछ अपनी बेटी, वो बोलते हुए शर्मा रहे थे कि आप देख लें, अगर आपको अपनी बेटी में कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं. तो अम्मी ने कहा मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, बिल्कुल सही किया उसने. तब जाके अम्मी ने मुझे हील्स पहना के कैटवॉक रूप कमरे में करवा के लाउंज में, लाइक यू नो कि लड़की नज़ाकते कुछ आए. तो एक तो वो चीज़ याद है मुझे कि वो मैंने बहुत 40 टेक्स दिए थे मैंने कोई और 40 टेक्स. यस यस. फॉर टू सिट not to speak, like you know, in a proper way. But no, what do you mean? What's an improper way of speaking? Like, I mean, like, I was not an actor. Like, I studied direction. Like, हाँ, but औरत भी अगर ऐसे ही बात करे तो वो औरत है, वरना वो औरत नहीं है. नहीं, लेकिन मैं ऐसे भी नहीं कर रही थी ना. अच्छा, मैं तो ऐसे कर रही थी बात. तो ऐसे भी तो बात होती है ना. ऐसे कर रही थी तो मैं तो गलत हो गया. ऐसे नहीं करनी थी. ये मुझे आज तक बात नहीं समझ आएगी. जीन पहन लो तो खरांट हो गया, कुर्ता सलवार पहन के लंबी चोटी बना के तेल की बदबू और ड्रिप कर रहा है तो वो आप मासूम हो गए अंदर से. बेशक जो मर्जी है, पीछे फसाद वो खड़ा करते रहे लोग, वो अलग बात. एक्शन के बाद आपको नहीं पता उससे, एक्शन से पहले क्या वो करते हैं. लिटरली सही कह रही हूँ, लेकिन